जय जोहर संगवारी हो, नमस्कार। हेलो फ्रेंड्स, मैं लता जंगेल, सीजी व्लॉगर लता अरुण में आप सभी का स्वागत करती हूँ। तो आज हम लोग आए हैं राज स्वीट में मिठाई लेने के लिए। तो ये है स्टेशन रोड का रास्ता, जो स्टेशन से 1 किलोमीटर दूर है। हम लोगों को यहाँ का जो मिठाई है बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। यहाँ की जो स्वच्छतापूर्ण से जो बनाया जाता है, यहाँ बहुत सारी वैरायटी मिलती है। तो यहाँ पर मिलता है काजू कतली, यहाँ पर मिलता है मिठाई, ये देखिए ये केसर वाला मिठाई है, और ये चॉकलेट मिठाई है, और यहाँ पर है बेसन की बर्फ़ी, बेसन का लड्डू बहुत ही टेस्टी देसी घी में बना हुआ, और यहाँ पर है चमचम है, और यहाँ पर ये देखिए ये भी चमचम है, यहाँ पर मलाई चाप है, मलाई चाप की बहुत सारी वैरायटी है, ये चमचम की भी बहुत सारी वैरायटी है, बेसन की बर्फ़ी, बेसन का लड्डू देसी घी में बना हुआ, और ये काजू कतली, और ये पेड़ा, तो पेड़ा को भी बहुत सारे शेप में बनाया जाता है। इनमें से कौन सी मिठाई आपको अच्छी लगी कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा दोस्तों। ये देखिए ये वाली जो मिठाई है ये बिल्कुल एप्पल के शेप का है, ये बहुत ही टेस्टी लगता है दोस्तों। यहाँ पर बहुत सारे वैरायटी की मिठाई मिलती है, लेकिन यहाँ पर नमकीन भी मिलता है दोस्तों। तो यहाँ पर जो भी नमकीन आपको पसंद है आप यहाँ से ले सकते हैं, क्योंकि ये स्टेशन रोड के पास है इसलिए यहाँ फटाफट बिक जाती है और कुछ भी बचता नहीं है, इसलिए ये बिल्कुल फ्रेश रहता है दोस्तों। रायपुर में अगर स्टेशन रोड से जा रहे हों तो राज स्वीट का मिठाई खाकर ज़रूर देखिएगा दोस्तों। तो ये देखिए दोस्तों, हम ला चुके हैं राज स्वीट से ये वाली मिठाई। तो ये देखिए दोस्तों, ये केसर वाली मिठाई है। तो दोस्तों मेरा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स पर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो थोड़ा भी अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करिएगा। मेरा ये वीडियो देखने के लिए थैंक यू, हैव अ नाइस डे।